नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कल 1 फरवरी 2024 को इंटरिम बजट यानी अंतरिम बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण, जो भारत की फिनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री हैं। ये बजट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा। पहला शब्द था मेक इन इंडिया और दूसरा था आत्मनिर्भर भारत। इस बजट में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो अनछुआ रह गया हो, मतलब हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ वित्त मंत्री जी ने बोला। हाँ, बहुत बड़ी घोषणाएं तो वो नहीं कर सकती थी क्योंकि ये इंटरिम बजट था और इंटरिम बजट में बहुत बड़ी बड़ी जो घोषणाएं वो नहीं की जा सकती। खैर, इंटरिम शब्द हमारे संविधान के किसी भी हिस्से में नहीं लिखा हुआ है, इंटरिम बजट। खैर, बजट भी नहीं लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर्टिकल नंबर 112 में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार दोबारा जो आएगी, वो कॉन्फिडेंस थी, उन्होंने कहा कि सरकार हमारी दोबारा आएगी तो हम फुल फ्लैश जो बजट है वो जुलाई में लेके आएंगे। तो यानी कि जो इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है, उसमें किन किन सेक्टर्स पर मैडम ने बोला है, आइए उस पर हम बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाल लिए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करें। ज्यादातर जो सेक्टर्स थे वो जिस पर फोकस किया गया वो हाउसिंग है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, ग्रीन एनर्जी है, टैक्सेस और मैनी मोर। इसके अलावा भी कुछ और एक दो सेक्टर हैं, जैसे महिलाओं के ऊपर काफ़ी कुछ मैडम ने बोला है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यानी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करने वाली आने वाली जो सरकार है उस पर भी बोला है। तो आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं बजट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हाउसिंग के बारे में। देखिए, हाउसिंग में मैडम ने कहा है कि जो मिडिल क्लास हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के लिए हम एक ऐसी स्कीम लॉन्च करने वाले हैं जिसके तहत जो लोग मिडिल क्लास के लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, वो उस स्कीम्स के तहत वो अपना घर खरीद सकते हैं या उनको नया घर बना के दे दिया जाएगा। कुछ ऐसा स्कीम्स लॉन्च करेंगे ऐसा कहा गया है। इसके अलावा रूफटॉप सोलराइजेशन की बात की गई है, यानी कि 1 करोड़ लोगों को सोलर पैनल मुहैया कराया जाएगा जिससे वो प्रति महीने लगभग 300 यूनिट बिजली की पैदा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राम मंदिर का उद्घाटन करने गए थे उस समय उन्होंने कुछ इस पर डिस्कशन किया था, इसका रेफरेंस दिया है मैडम ने। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण, इस पर भी बोला है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपना पक्का मकान हो सके। तो ये तो कुछ हाउसिंग के बारे में था। ठीक, ऐसे ये 3 पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे और मैडम ने इन पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया भी। आइए बात करते हैं हेल्थ पे। तो हेल्थ में जो एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज़ द सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर्स के लिए कहा कि जो लड़कियां हैं वो जिनकी एज 9 से 14 साल है उनका वैक्सीनेशंस कराएगी सरकार, ताकि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की जा सके। इसके अलावा दोस्तों, नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कैसे की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑलरेडी हॉस्पिटल रन कर रहे हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स का इस्तेमाल करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने अपग्रेडेशन की बात करी है, जो आंगनवाड़ी सेंटर है किस स्कीम के तहत, तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, यानी कि ये पोषण सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के तहत जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करने की बात की गई है दोस्तों। इसके अलावा यूविन प्लेटफॉर्म को मैनेज करने की के थ्रू जो आपका मिशन इंद्रधनुष है जिसमें वैक्सीनेशन की जाती है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने की बात की गई है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर है, जो हेल्थ केयर कवर है अंडर आयुष्मान भारत स्कीम्स, उसको बढ़ाने की बात की गई है, यानी कि अब इसके अंतर्गत आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और सभी के सभी हेल्पर्स इसके अंदर आएंगे। तो ये हेल्थ से संबंधित कल के अंतरिम बजट में कुछ मुख्य बिंदु रखे गए थे। आइए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड उससे संबंधित सेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है जो एग्रो क्लाइमेट जोन है दोस्तों, यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र है, वहाँ पर नैनो DAP को बढ़ावा देने की बात की गई है कल के अंतरिम बजट में। इसके अलावा दोस्तों, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि भारत अपना जो खाद्य तेल है, ठीक है, एडिजेबल ऑयल है, वो दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है, तो उस एडिजेबल ऑयल के इंपोर्ट में कमी लाने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए एडिजेबल ऑयल के मामले में
कहा गया कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाएगी ताकि हम खुद से पैदा कर सकें किस जो खाद्य तेल है, इसमें फोकस किया गया मस्टर्ड ऑयल पर, ग्राउंड नट, सेसमे, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर। इसके अलावा दोस्तों जो डेयरी फार्मर है, जो डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन किसानों के लिए भी मैडम ने कुछ घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जो डेयरी फार्मर उनको सपोर्ट करने के लिए, जिस तरीके से भारत के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स दिया जाता फॉर डेयरी प्रोसेसिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए, इसी तरीके से कंप्रेंसिव प्रोग्राम्स भी डेयरी फार्मर्स के लिए जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMSSY बोलते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। इसके अकॉर्डिंग स्पीच में कहा गया है कि एनहांस एक्वा कल्चर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग 3 to 5 tons पर हेक्टेयर, ठीक है, यानी 3 से 5 hectare, यानी कि एक्वा कल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है एक्वा कल्चर प्रोडक्ट का, उस एक्सपोर्ट्स को डबल करने की बात की गई है 1,00,000 crore तक, ठीक है। और कहा गया है कि जनरेट किया जाएगा, इसके थ्रू जनरेट करने की कोशिश की जाएगी 55,00,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी 55,00,000 रोजगार पैदा किया जाएगा थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, दैट इज 5 integrated एक्वा पार्क विल बी सेटअप। मैं रिपीट कर देता हूं इसको, द 5 integrated एक्वा पार्क विल बी सेटअप इन इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप याद रखिए। तो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स में नैनो DAP की बात की गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे सर्च कीजिए कि नैनो DAP क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जो एडिजेबल ऑयल है उसके बारे में भी बात की गई है, जो डेयरी से संबंधित किसान है उनके ऊपर भी बात की गई है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMSY पर भी बात की गई है। चलिए अब बात करते हैं वुमेन्स पर, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित भी इस बजट में कुछ ना कुछ रखा गया। तो यहां पर कहा गया कि लगभग 83,00,000 SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, उन्होंने लगभग 9 crore महिलाओं को सशक्त बनाया है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। और इन्होंने इसमें यह भी कहा है जो लखपति दीदी हैं उनकी संख्या 2 crore से लेकर 3 crore हम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि देश के अंदर इस 2 crore लखपति महिलाएं हैं, दीदी हैं और महिलाएं हैं, उनकी संख्या हम 3 crore कर देंगे, यानी कि इस तरीके थ्रू दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अदर फैसिलिटीज दैट विल बी प्रोवाइड फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है। तो आप इसमें देखिए, जो वर्ड्स नॉर्मली इकोनॉमिक सर्वे या यूनियन बजट में पेश किए जाते हैं उन शब्दों पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर कुछ आप पढ़ लीजिएगा डेफिनेटली गूगल में जाके, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं यूथ एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यूथ एंड टेक्नोलॉजी में कहा गया है कि फॉर द टेक सेवी यूथ एक फंड रखा जाएगा, एक कोष बनाया जाएगा ऑफ ₹1,00,000 crore, जिसके अंदर 1,00,000 crore रुपए रखे जाएंगे, विल बी एस्टेब्लिश्ड विद 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, किसके लिए, जिससे स्थापित किया जाएगा 50-year यानी 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है। इसके अलावा एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी ताकि डीप टेक टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पस, ठीक है, ताकि डिफेंस पर्पस के लिए मतलब अलग अलग स्किल्स स्कीम्स प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे यूथ के लिए, ताकि यूथ का फोकस किया जा सके, यूथ का ध्यान आकर्षित किया जा सके डिफेंस से संबंधित डीप टेक्नोलॉजी पर, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके, ऐसा यूथ के लिए मैडम ने, निर्मला सीतारमण जी ने यानी वित्त मंत्री ने हमारे बजट में बोला, यानी इंटरिम बजट की स्पीच में बोला। इसके अलावा अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे क्या कहा, 11,11,111 crore रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे, जो लगभग 3.4% है GDP का। दोबारा सुनिए इस आंकड़े को, 11,11,111 crore रुपए खर्च किए जाएंगे किसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो 3.4% है हमारी GDP का। इसके अलावा दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कल रेलवे के ऊपर बोला गया, इसमें बोला गया 3 major इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स विल बी इंप्लीमेंटेड। तो 3 जो आर्थिक रेलवे गलियारे हैं कार्यक्रम, वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 3 corridor बनेंगे। नंबर 1 energy, mineral and cement corridor,
नंबर दो पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और थर्ड है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो ये तीन कॉरिडोर की बात की जा रही है थ्रू इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स के तहत। द प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाई अंडर द पीएम शक्ति फॉर अनेबलिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, यानी कि ये तीनों के तीनों जो प्रोजेक्ट हैं पीएम गति शक्ति के अंतर्गत लाए जाएंगे। और एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो एंड नमो भारत, यानी कि जो नमो भारत है और मेट्रो है, जैसे कि रैपिड ट्रेन चलाई गई, रैपिड ट्रेन को हम नमो भारत बोलते हैं, दिल्ली से मेरठ तक चलाई जा रही है, तो नमो भारत और जो मेट्रोज हैं उनके एक्सपेंशंस के लिए विल बी सपोर्टेड इन लार्ज सिटीज फोकसिंग ऑन ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो यानी कि ये सब कुछ रेलवे के बढ़ावे के लिए किया जाएगा। तो दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स पर यहां पर मैडम ने बोला है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड ग्रीन एनर्जी से संबंधित कि क्या बजट के अंदर बोला गया है। देखिए मैं बहुत सारी चीजें आपको स्पेशली अलग अलग बातें बताऊं इस बजट की क्लास को बहुत लंबा चौड़ा बना दूं, नहीं, आप इन्हीं पॉइंट्स को नंबर ऑफ टाइम फोकस कीजिए और जो कोई पॉइंट्स आपको इसमें ऐसा लग रहा है तो आप गूगल भी करते रहिए ताकि आपका एक नोट्स तैयार होते रहें यूपीएससी में। जैसे मैंने आपको बताया अभी स्मॉल ग्रुप्स के बारे में, वुमेन से संबंधित, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताया, तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप पढ़िए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में यूपीएससी इस तरीके से पूछता रहता है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड ग्रीन एनर्जी पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम की बात की गई है, यानी कि सपोर्ट्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम एक तैयार किया जाएगा, यानी कि जो ई व्हीकल्स हैं उनको चार्ज करने के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इस पर सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके अलावा ई बसेस की शुरुआत करने की बात की गई, मतलब ऑलरेडी भारत में चल रही है ई बसेस, लेकिन इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, यानी कि जो डिजिटल करेंसी को, डिजिटल पेमेंट्स को इसके इन ई बसेस के अंदर और भी पॉपुलराइज किया जाएगा। यहाँ पे आगे कहा गया फॉर प्रमोटिंग ग्रीन ग्रोथ ए न्यू स्कीम फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री विल बी लॉन्च, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल रिपीट अगेन, फॉर प्रमोटिंग ग्रीन ग्रोथ ए न्यू स्कीम ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री विल बी लॉन्च, ठीक है। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी टू, अब ये तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ब्लू इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू, तो सिंपल सी बात है पानी से संबंधित होगा, तो ब्लू इकोनॉमी टू की बात की गई है, यानी कि ये एक्वा जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या मैरियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे संबंधित है उसको भी बढ़ावा देने की बात की गई है। तो दैट इज द एनवायरमेंट एंड ग्रीन एनर्जी पर ये बोला गया है इस साल के बजट में स्पीच में। अब बात करते हैं टूरिज्म। देखिए जिस तरीके से लक्षद्वीप के बाद जो इश्यूज क्रिएट हुए मालदीव के साथ भारत के रिलेशंस, ये तो समझ में आ गया कि भारत के अंदर टूरिज्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो लगभग 2,90,000 के आसपास टूरिस्ट हर साल मालदीव जाया करते थे, तो कितना टूरिस्ट है जो लक्षद्वीप की ओर मूव कर रहा है। अभी अयोध्या के आप रिजल्ट देखिए, अयोध्या में लगभग 11 दिन के अंदर 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, तो इसका मतलब जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसमें बहुत संभावना है, वो इकोनॉमी को एक बहुत शानदार बूस्टअप कर सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म पर भी क्या बोला गया इस बार के बजट में, तो यहाँ पे कहा गया कि स्टेट्स के लिए कुछ कहा गया कि इस जो राज्य हैं स्टेट्स विल बी एनकरेज टू टेक अप कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट्स ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग द इवेंट ग्लोबल लेवल। तो कहा गया स्टेट्स को चाहिए कि वो एनकरेज करे, डेवलप करे उन सभी टूरिस्ट सेंटर्स को, उनकी ब्रांडिंग्स करे और मार्केटिंग करे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ताकि उससे इकोनॉमिकली देश को फायदा हो सके। ए फ्रेमवर्क फॉर रेटिंग द सेंटर्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विस विल बी एस्टेब्लिश, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसके थ्रू रेटिंग दी जाएगी कि सपोज कीजिए कि अयोध्या में किस तरीके की फैसिलिटीज है, लक्षद्वीप में कैसी फैसिलिटीज है, वहां सर्विस कैसी है, तो इसके बेस पर जिस तरीके सफाई अभियान चला था जिसके अंदर, तो उसमें इंदौर नंबर वन पे आता था, तो अलग अलग रेटिंग दी जाती है। तो इसी तरीके से अब टूरिज्म सेंटर्स जो है, टूरिज्म प्लेस जो है, पॉइंट्स है, उनके लिए भी एक रेटिंग दी जाएगी, इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री, और ऐसा राज्य भाई कैसे कर सकते हैं, तो राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया कराएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी बात की गई है, इसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज विल बी टेकन अप ऑन आइलैंड
इट विल बी इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप को बढ़ावा मतलब डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर इस बजट के अंदर कुछ मुद्दों पर, कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया, राइट। तो ये था हमारा टूरिज्म के ऊपर। अब बात करते हैं हम दोस्तों FDI के बारे में, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो यहाँ पर कहा गया कि देखिए 2014 से लेके 2023 तक देश के अंदर जो FDI आया है उसकी वो है 596 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी 596 अमेरिकन बिलियन डॉलर रहा, ठीक है। ये गोल्डन एरा है, जबकि ये दुगना है, ट्वाइस है किसके कंपैरिजन में, 2005 से लेके 2014 तक जो FDI आया, यानी 2005 से लेके 2014 तक जो FDI, उससे दुगना FDI आया है 2014 से लेके 2023 तक। इसके अलावा कहा गया फॉर एंकरिंग सस्टेंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैडम ने कहा, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि FDI को बढ़ावा देने के लिए नेगोशिएशन किया जा रहा है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की जा रही है विदेशी पार्टनर्स के साथ, और इसका एक ही स्प्रिट है फर्स्ट डेवलप इंडिया, पहले इंडिया का विकास हो। मैं इस वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट डेवलप इंडिया। तो इन पॉइंट्स पर थोड़ा फोकस रखिएगा। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए मैडम ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे ताकि देश के अंदर जो जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, उस पर कंट्रोल किया जा सके। रिफॉर्म्स इन स्टेट्स, राज्यों के अंदर चेंजेस पैदा किए जा सके उसके लिए एक प्रोविजन ऑफ 75,000 करोड़ रुपीज़, दोबारा सुनिए, राज्यों की बढ़ोतरी के लिए क्या कहा गया है, ए 75,000 करोड़ रुपीज़ S50 year इंटरेस्ट फ्री लोन इज प्रपोज दिस ईयर टू सपोर्ट रिफॉर्म्स बाय स्टेट्स गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको, इस आंकड़े को आप एक दो बार देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली मदद मिलने वाली है आपके एग्जाम में। आइए इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों रिवाइज एस्टिमेट्स 2023-24। मतलब देखिए, मैडम ने पिछले साल फरवरी में 1 फरवरी को बजट पेश किया, अब अभी वो जो बजट था 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए था, अब 2024 फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, तो ये तो खत्म होगा 31 मार्च को, लेकिन मैडम ने जो बजट पेश किया वो कर दिया 1 फरवरी को। तो अभी फरवरी पूरा बचा है और फरवरी मार्च पूरा बचा है, तो 2 महीने पहले ही मैडम ने बजट पेश कर दिया। तो मैडम ने कुछ चेंजेस किए, यानी पिछली बार अगर 400 करोड़ रुपये किसी सेक्टर के लिए दिए हैं तो उसमें 200 करोड़ और बढ़ा दिए, तो कह दिया 600 करोड़, तो दैट इज कॉल्ड रिवाइज। तो रिवाइज क्या किया है, तो देखिए रिवाइज एस्टिमेट्स 2023-24, तो 2023-24 के लिए कुछ चेंजेस, 2 महीने पहले ही कुछ चेंजेस कर दिए, दैट इज कॉल्ड द रिवाइज एस्टिमेट। तो रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ द टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग, यानी जो टोटल रिसिप्ट जो हम कमाई करेंगे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में, यानी CFI आर्टिकल 266 में, उस तिजोरी में जो हमारा बिना उधार मांगे पैसा कितना आएगा, तो दैट इज 27.56 लाख करोड़, ठीक है, ऑफ विच उस जिसके अंदर जो टैक्स की रिसिप्ट होगी वो होगी दोस्तों 23.24 लाख करोड़, ठीक है। इसके अलावा जो रिवाइज एस्टिमेट जो टोटल एक्सपेंडिचर बताया है, रिवाइज एक्सपेंडिचर दैट इज 44.90 लाख करोड़, इन आंकड़ों को आप एक बार याद रखिएगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की गई है, दैट इज द 30.03 लाख करोड़, ठीक, और आर एक्सपेक्टेड टू हायर देन द बजट एस्टिमेट्स, क्लियर। और रिवाइज एस्टिमेट जो फिस्कल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा है वो कहा है कि 31 मार्च तक ये कितना हो जाएगा, 5.8 जो 5.8% ऑफ GDP का रहने का अनुमान है, ठीक। ये थोड़ा सा ये आंकड़ा है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट कितना का है, दैट इज 5.8% ऑफ द GDP। अब बजट एस्टिमेट्स अगर 2024-25 की बात करें, यानी कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्योंकि ये जो बजट पेश किया है ये 2024-25 के लिए है, लेकिन हाँ अभी तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24, तो उसमें भी कुछ, उसके लिए भी कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो ये वाला आंकड़ा था। तो अब बजट एस्टिमेट 2024-25 के लिए बात कर लेते हैं, तो इसमें कहा कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो अनुमान है कि 5.1% रहे GDP का। थैंक गॉड कि कम से कम ये तो कहा कि हाँ 5.8 से कम हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट, और हो सकता है जब रिवाइज करें तो फिर इसको आंकड़े को बढ़ा दें, जैसे इस बार ये बढ़ा दिया, ठीक। और उन्होंने कहा द स्कीम्स ऑफ 50 year इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स विल बी कंटिन्यू दिस ईयर विद टोटल आउटले, इस पर खर्च किया जाएगा 1.3 लाख करोड़ दोस्तों। आगे कहा द टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, मतलब उधार नहीं मांग रहे, टोटल रिसिप्ट जो होगा और टोटल एक्सपेंडिचर वो लगभग कितना होगा, वो होगा 30.80 लाख करोड़,
और जो खर्च होगा वो होगा 47.66 लाख करोड़। तो इसमें स्पष्ट बता दें कि बिना उधार मांगे और जो टैक्स रिसीप्ट होगी वो लगभग एस्टिमेट किया जाएगा 26.0 लाख करोड़, यानी इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है दैट विल बी 23.24 लाख करोड़, और बजट में बढ़ोतरी होगी जिसको कहा है 26.02 लाख करोड़। तो ये कुछ रिवाइज एस्टिमेट था 2023-24 का और बजट का एस्टिमेट था 2024-25 का। अब बात करते हैं दो चीज़ों पर, दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें बहुत सारे आंकड़े पेश किए गए जिनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों ये पॉइंट याद रखिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जिसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट दोनों सेम होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट दोनों सेम नहीं होते। मतलब डायरेक्ट टैक्स जिस पर लगाया गया उसी को जाके सरकार को जमा करना है, इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर लगाया उसके बिहाफ पर कोई और सरकार को जमा करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का GST और डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स। तो दोनों में बढ़ोतरी हुई है। अब बहुत बड़ा आंकड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखिए दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। चलिए जाने से पहले ये पूरा मैंने आपको पूरा का पूरा बजट जो था, बजट के जो हाइलाइट्स थे वो बता दिए आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हीं पर फोकस कीजिए, नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कीजिए, कोई वर्ड आपको अगर स्पेशल लगे तो उसको गूगल में सर्च कीजिए। जाने से पहले आपको सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में बता देता हूँ। देखिए निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है UPSC 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी, ये सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर्स भी दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड RSHARMA का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको 25% का डिस्काउंट चाहिए अपने इस सब्सक्रिप्शन फीस में। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 7400452383। अगर इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।